सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं एरो एपिसोड 14 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के सारे एपिसोड को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी एपिसोड को देख लें, ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी सारी कहानियां अच्छे से क्लियर हो सके। सो यार, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चूंकि ऑलवा और डीगल को मोयरा पढ़ सकता, इसीलिए ऑलवा एरो के लिबास को पहनता हुआ मोयरा के ऑफिस में पहुंचता है और इसे इंट्रोगेट करते हुए रॉबर्ट की मौत के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। अपने सामने एरो और उसके हाथ में पड़े हुए तीर कमान को देखकर मोयरा बहुत ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वह अपने सामने पड़े हुए ऑलवा और टिया की तस्वीर को इसके सामने करती हुई कहती है, ऑलवा मेरा बड़ा बेटा है और टिया मेरी छोटी बेटी। टिया तो इस कदर बड़ी भी नहीं हुई है कि वह खुद से खुद का ध्यान रख सके। ये दोनों मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज तुम मुझसे इनके प्यार को अलग मत करो। अपने सामने माँ को गिड़गिड़ाते हुए देखकर ऑलवा यानी एरो को दया जाती है और वह अपने तीर कमान को नीचे कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोयरा अपने पास पड़े हुए गन से ऑलिवर यानी एरो पर लगातार हमला करने की कोशिश करती है, जिसकी एक गोली ऑलिवर के सीने के आसपास लग जाती है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। एरो के जमीन पर गिर जाने के बाद मोयरा फटाक से अपने पास पड़े हुए फोन से पुलिस वालों को कॉल करके एरो के यहाँ होने की बात बताती है। मोयरा के द्वारा पुलिस से बात करने के क्रम में एरो खुद को संभालता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है और फिर फेलिसिटी की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब फेलिसिटी अपनी गाड़ी में आकर बैठती है, तब ऑलिवा ही एरो है ये पहचान बताते हुए ऑलिवा अपने जिस्म पर बने हुए घाव के निशान को दिखाता है। आगे ऑलिवा फेलिसिटी से अपने पिता के पुराने फैक्ट्री में खुद को ले चलने को कहता है। शुरू में तो फेलिसिटी इसे कोई हॉस्पिटल में जाने की नसीहत देती है, पर ऑलिवर के द्वारा बार बार जिद करने पर वह राजी हो जाती है और किसी तरह से ऑलिवर को संभालते हुए इसकी पुरानी फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां पर पहले से डिगल मौजूद होता है। आगे डिगल और फेलिसिटी डॉक्टर डॉक्टर खेलकर इसकी जान बचाने और इसे दोबारा से ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है, जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक खत्म हुआ था। आगे हम लोग स्लेड विल्सन और ऑलिवर को एक साथ देख पाते हैं। यहां पर स्लेड विल्सन ऑलिवर को एक फोटोग्राफ दिखाते हुए कहता है, ये आइस टैंक टावर है, यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों का पहरा होता है। अगर हम लोग किसी तरह से इस टावर पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से कॉन्टेक्ट करके हम लोग अपने लिए एक प्लेन बुला सकते हैं। आगे ये दोनों प्लान बनाते हैं कि स्लेड विल्सन इस टावर के पास मौजूद सारे आदमियों को मार डालेगा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑलिवर क्विन इस टावर के अंदर जाएगा और यहाँ पर काम कर रहे आदमी को वह मार डालेगा। यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हुए काफी रात हो गई होती है और ये दोनों अलग अलग सोने चले जाते हैं कि तभी ऑलिवर के सपने में लॉरेन आती है, जो इससे कुछ बात करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी इसके पास स्लेड विल्सन आता है और इसे नींद से जगा देता है। आगे स्लेड विल्सन इससे कहता है, आज वो समय जब हम लोग आइस टैंक टावर पर हमला करेंगे। स्लेड विल्सन की बात सुनने के बाद ऑलिवर काफी खुश होता है और फिर कुछ तैयारियां करते हुए यहां से स्लेड विल्सन के साथ निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग याहू फेही को देख पाते हैं, जो अभी भी एडवर्ड के पास होता है। यहां पर एडवर्ड याहू फेही से कहता है, तुम्हें याद है ना तुमने क्या प्रॉमिस किया था? जिस पर याहू फेही हाँ में जवाब देता है। यहाँ पर याहू फेही किस प्रॉमिस की बात कर रहा होता है फ्रेंड्स, ये आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। चूंकि स्लेड विल्सन और ऑलिवर की डेस्टिनी काफी दूर थी, इसीलिए चलते हुए इन्हें रात हो जाती है और ये दोनों बीच जंगल में ही रुककर आग जलाकर यहीं पर रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। आगे स्लेड विल्सन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को इससे शेयर करते हुए कहता है, बिली इंटरग्रीन मेरा दोस्त था जो मेरे साथ इस आइलैंड पर याहू फेही को यहाँ से छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन वह एडवर्ड के द्वारा दिए गए पैसे के चक्कर में आ गया और वह अब एडवर्ड के लिए काम करता है। यहीं पर स्लेड विल्सन इसे समझाता है कि ऑलिवर को किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी अपने मतलब के लिए अपने सामने वाले को धोखा दे देता है। सारी बात सुनने के बाद ऑलिवर लॉरेन को याद करते हुए कहता है, लॉरेन इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऑलिवर अपने पुराने टाइम में एक ठरकी टाइप का इंसान रहा है, जिसने लॉरेन की बहन सारा को डेट करके लॉरेन का दिल दुखाया है।
अलवा हमेशा से अपने मतलब के लिए जीता आया है और इसने पास्ट में बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है। अपने शहर में पहुंचने के बाद अलवा सबसे पहले लॉरेन से मिलेगा और अपनी करनी के लिए उससे सॉरी बोलेगा। वहीं दूसरी तरफ अलवा शहर में पहुंचने के बाद वो सारे गंदे कामों को करना छोड़ देगा जिसकी वजह से इसके अपनों को हर्ट होना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब सुबह होने वाली होती है और ये दोनों आइस टैंक टावर के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर तक फिर से चलने के बाद ये दोनों आखिरकार आइस टैंक टावर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें ढेर सारे सैनिक दिखाई पड़ते हैं। यहां पर स्लेड विल्सन अपने दिमाग और सूझबूझ को यूज करता हुआ यहां मौजूद सारे सैनिकों पर हमला करके इन्हें मार देता है। इसी मौके का फायदा उठाता हुआ अलवा प्लान के अनुसार आइस टैंक टावर के अंदर जाता है और यहाँ मौजूद एक इंसान पर हमला करते हुए इसे मौत की नींद सुला देता है। यहीं पर अलवा को एक पुराना सा फोन दिखाई पड़ता है। चूंकि अलवा अब तक लॉरेन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसीलिए वह सबसे पहले लॉरेन को कॉल लगाकर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। कैन मौके पर यहाँ पर स्लेड विल्सन आ जाता है और अलवा के पास से रिसीवर को छीनता हुआ इसके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। आगे स्लेड विल्सन गुस्साते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? इस कॉल को ट्रेस किया जा सकता था और तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारे चाहने वाले की लाइफ मुसीबत में आ सकती थी। आगे ये दोनों अपने एक्सपीरियंस और सूझबूझ से मिलिट्री प्लेन को यहाँ पर आने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर प्लेन में बैठा हुआ ऑफिसर रेडी हो जाता है और कुछ इस तरह से इन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आती है। यहाँ से जाने वाली बात सुनकर ये दोनों काफी खुश होते हैं कि तभी ऑलिवर को याद आता है कि याहू फेई ने इसकी दो दफा जान बचाई है। अगर याहू फेई भी इसके साथ चलेगा तो ऑलिवर की खुशी दुगनी हो जाएगी। इस बात को सोचने के बाद ऑलिवर स्लेड विल्सन से कहता है कि इन दोनों को याहू फेई के पास जाना चाहिए और याहू फेई को एडवर्ड के चंगुल से छुड़ाना चाहिए। ऑलिवर की बात सुनने के बाद स्लेड विल्सन कहता है, हमारा मिशन तो था ही कि हम लोग याहू फेई को यहाँ से छुड़ा कर ले चले। चूंकि अब याहू फेई एडवर्ड से मिल चुका है, इसीलिए अब उस मिशन का कोई भी वजूद नहीं है। इसीलिए तुम अगर अकेले जाना चाहते हो तो तुम उसे छुड़ा कर लाओ। मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ। और जब प्लेन आएगा तो मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूंगा। चूंकि ऑलिवर याहू फेई को छुड़ा कर अपने साथ लाना चाहता था, इसीलिए वह स्लेड विल्सन की बातों को इग्नोर करता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है और फिर दौड़ते हुए एडवर्ड के ठिकाने के बाहर पहुंचता है। काफी देर तक खोज पड़ताल करने के बाद ऑलिवर को याहू फेई दिख जाता है, जिसके बाद वह याहू फेई का पीछा करता हुआ इसके टेंट में पहुंचता है। अपने सामने ऑलिवर को देखकर याहू फेई इससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए भेजा था। याहू फेई की बात सुनकर अलवा कहता है, मैंने प्लेन वालों से बात की है, वो लोग कुछ देर में यहाँ पर आते ही होंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अलवा की बात सुनने के बाद याहू फेई निराश होते हुए कहता है, काश मैं तुम्हारे साथ चल पाता। याहू फेई इससे ज्यादा कुछ बोल पाता कि यहाँ पर एडवर्ड दूसरे किनारे से आ जाता है। अपने सामने अलवा को देखकर एडवर्ड फटाक से अलवा को पकड़ खींचता है और फिर उस जगह पर लेकर पहुंचता है जहाँ पर ढेर सारे सैनिक मौजूद होते हैं। आगे एडवर्ड इस मास्क वाले आदमी यानी स्लेड विल्सन के दोस्त से अलवा को मारने को कहता है। यहाँ पर यह मास्क वाला आदमी अलवा को पीट रहा होता है कि तभी पीछे एक जोरदार का धमाका होता है और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो स्लेड विल्सन की, जो अपने सूझबूझ और अपने ताकत के बल पर यहाँ मौजूद सारे सैनिकों पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अपने सामने स्लेड विल्सन को देखकर यह मास्कमैन गुस्साता हुआ स्लेड विल्सन के पास जाता है और इससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद आखिरकार स्लेड विल्सन इस पर भारी पड़ता है और वह इसकी आंख में एक बहुत बड़ा खंजर भोंक देता है। इस मास्कमैन को हारते हुए देखकर एडवर्ड स्लेड विल्सन पर कुछ गोलियां चलाता है, जिसे देखकर अलवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में एडवर्ड पर हमला करना शुरू कर देता है। अलवा को गोली चलाते हुए देखकर एडवर्ड डरपोक यहां से फरार हो जाता है। आगे हम लोग नोटिस करते हैं कि स्लेड विल्सन के कंधे में एक गोली लगी है। गोली लगने वाली बात सुनकर अलवा फिर से डर जाता है और इससे सहारा देता हुआ यहाँ से दूर ले जाने लगता है। अलवा स्लेट को लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा होता है कि तभी दूसरी तरफ से एक सोल्जर आ जाता है, जो इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर अलवा अपने ट्रेनिंग के दाव पे इसको यूज करता हुआ इस सोल्जर को तुरंत ही अपने कब्जे में ले लेता है और फिर इसे मौत की नींद सुला देता है।
ऑलिवर के द्वारा इस सोल्जर को मारने वाली घटना देखकर स्लेड विल्सन काफी खुश होता है और वह इससे कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग शायद पूरी हो गई है और तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जो अपने आप की रक्षा करना जानता है। आगे ऑलिवर स्लेड विल्सन को एक सेफ जगह पर लाता है और इसके शरीर में मौजूद गोली को बाहर निकालता है। आगे हम लोग याहू फेई को देख पाते हैं जिसके पास एडवर्ड का कॉल आता है। आगे याहू फेई एडवर्ड से मिलने जाता है जिसके बाद एडवर्ड इससे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तुम उससे केवल 5 मिनट मिल सकते हो। याहू फेई हाँ में सिर हिलाता हुआ कैंप के अंदर चला जाता है जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक लड़की रो रही है। ये लड़की कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि याहू फेई की बेटी होती है। बैक ऑफ द स्टोरी ये होती है फ्रेंड्स कि याहू फेई की बेटी को एडवर्ड ने अपने पास किडनैप करके रखा था और इसे मारने की धमकी देता हुआ एडवर्ड याहू फेई से अपने गंदे कामों को करवाया करता था। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है जहाँ पर हम लोग ऑलिवर को बेड पर फिर से सोया हुआ देख पाते हैं। बेहोशी से जागने के बाद ऑलिवर को पता चलता है कि बीते कुछ घंटों में फेलिसिटी ने इसके कंप्यूटर या फिर इसके सारे गैजेट को अपग्रेड कर दिया है जिस वजह से वह गुनाहगार को पकड़ने में और ज्यादा काबिल हो गया है। आगे फेलिसिटी डिगल और ऑलिवर को बताती है कि वाल्टर के साथ फेलिसिटी के काफी अच्छे संबंध थे और वाल्टर फेलिसिटी को काफी मानता था। फेलिसिटी वाल्टर को अपने स्टेप डैड की तरह मानती है और जब से वाल्टर कहीं गायब हुए हैं तब से वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है। फेलिसिटी ये चाहती है कि एरो जल्द से जल्द वाल्टर का पता लगाए या फिर उससे जुड़ी हुई गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाए। आगे फेलिसिटी इन दोनों से कहती है जब तक वाल्टर का पता नहीं चल जाता तब तक वह एरो की टीम में टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम करेगी और इसकी कामों में मदद करेगी। चूंकि ऑलिवर यानी एरो की जान फेलिसिटी ने बचाई थी इसीलिए यहाँ पर ऑलिवर फेलिसिटी को ना नहीं कर पाता और कुछ इस तरह से फेलिसिटी एरो की टीम को एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट ज्वाइन करती है। अपने घाव पर मरहम पट्टी लगाने के बाद ऑलिवर अपने घर पर पहुंचता है जहां पर पहले से डिटेक्टिव क्वेंटिन लेडिलेंस मौजूद होता है। अपने सामने ऑलिवर को देखकर क्वेंटिन इससे कहता है तुम कहां थे, तुम्हारी माँ पर एरो ने हमला किया था। क्वेंटिन की बात सुनकर ऑलिवर दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है और इसे गले से लगाता हुआ कहता है सॉरी मैं आपके पास उस समय मौजूद नहीं था, मुझे माफ करें, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऑलिवर के इतना कहते ही फ्रेंड्स यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स इसके आगे की एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हुई है क्योंकि इसमें फेलिसिटी जुड़ गई है। फ्रेंड्स अगर आपको आगे के एपिसोड को देखना है तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं कल इसके अगले एपिसोड को अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट।